So in today's video, we are going to talk about the mark distribution for zoology paper. Actually, zoology और botany का जो paper है उनका mark distribution almost same होता है, मतलब similar ही होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा difference नहीं रहता है. अभी हमारा botany का आया था, उसी हिसाब से हमारा marking system zoology के लिए same रहेगा. क्या रहेगा कि पूरा paper होगा हमारा 80 marks का, total theory paper 80 marks का है. उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो 20 मार्क्स कैरी करेगा. क्वेश्चन नंबर 1 ये ए बी सी में डिवाइड होकर है, जहाँ आएंगे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर इन वन सेंटेंस. MCQ आएंगे एक एक मार्क के लिए 7 क्वेश्चन, टोटल MCQ का वेटेज होगा 7 मार्क्स के लिए. फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 7 मार्क्स के लिए, एक एक क्वेश्चन आएंगे कुछ इस हिसाब से आएंगे, ठीक है. फिर सी होगा आंसर इन वन सेंटेंस. अभी इसका सीक्वेंस बदल सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स पहले पूछ लेंगे, बाद में एमसीक्यू पूछ लेंगे, ऐसा हो सकता है. फिर हमारे बाकी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, या फिर थोड़ा अगर वेटेज वाइज कम ज़्यादा हुआ तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफर नहीं करेंगे, 7 आएंगे, मैक्स टू मैक्स 7 आएंगे, ठीक है. उन 7 में से आंसर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते आएंगे हमें, वो देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 समझो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक क्वेश्चन होगा 7 मार्क के लिए जिसे हम लॉन्ग आंसर कहेंगे, ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन होगा 3 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको और में भी एक एग्जांपल मिलता है, जिसमें आप अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपको टफ लगता हो तो नीचे वाला आप लोग सॉल्व कर सकते हो. तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आपको मिलते जाएंगे. फिर हर क्वेश्चन को और दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर मतलब जिन क्वेश्चंस को 7 मार्क है, मतलब आपको लॉन्ग आंसर टाइप लिखना है. एक टिप दे दूँ, लॉन्ग आंसर में आपको हमेशा डायग्राम निकालनी है, बिना डायग्राम बने आपका काम नहीं बनेगा, आपके मार्क्स कटेंगे. तो हमेशा एक चीज़ रखो कि लॉन्ग आंसर में आपने एक थ्योरी आंसर लिख देना है, उसके बाद में आपको डायग्राम निकालनी है उससे रिलेटेड. जो कोई भी डायग्राम आते हो निकालो, नहीं याद आ रही तो बेसिक डायग्राम्स होती है, सेल की याद आ रही है, कुछ तो भी याद आ रहा है तो वो भी निकाल सकते हो. अब ये सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 to 7 यही मार्किंग स्कीम होंगी. ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके लिए 7 मार्क्स के लिए दिया गया होगा, वो लॉन्ग आंसर के लिए, तो उसके लिए आपको और एक क्वेश्चन मिलेगा 7 मार्क के लिए और में, ठीक है. यही डिफरेंस है, ये मार्किंग सिस्टम फिक्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट फिक्स है, 99% फिक्स है. बस पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही है, बाकी सब तो ऐसे ही है. बस अभी हमें क्या, ये जो मार्किंग स्कीम है ये सिर्फ हमें प्रिपेयर करती है कि नेक्स्ट डे हमें कैसे मतलब कैसे टैकल करना है ना क्वेश्चन पेपर. ये नहीं डिसाइड करेंगे कि ये पढ़ के गए तो हमारा पेपर अच्छे जाएगा, नहीं ना, आपको पढ़ना पड़ेगा. पढ़ना कैसा है ये डिसाइड करता है, ये आपको एक हिंट देता है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए. तो कैसे पढ़ेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपके जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस है उससे आप कवर कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 to 7 जो है, जहाँ पर 7 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए, उसके लिए हमेशा चीज़ें अप्रोच करो कि तुम बड़े से बड़े आंसर प्रिपेयर करके रखोगे. लेसन में जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरह प्रिपेयर करोगे. 3 मार्क के लिए मत सोचना, किसके लिए सोचोगे, 7 मार्क के लिए. जब आप ऊंचा सोचते हो, मतलब बड़ी चीज़ों के लिए अप्रोच लेते हो, तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आने वाली छोटी छोटी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है. समझो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे आप, या फिर ह्यूमंस के बारे में अगर आपने पढ़ा और उसमें अगर क्वेश्चन आया कि ह्यूमन में ब्लड होता है क्या, RBCs होते हैं क्या, तो क्यों रेड कलर का है, ये चीज़ें भी कवर हो जाती है. इसका मतलब है ह्यूमन की फिजियोलॉजी, ह्यूमन क्या है, उसके लिए आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है. तो उसमें क्या, और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सब ये क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं. तो इसलिए हमेशा पढ़ना हो तो बड़े क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करो, बड़ी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लो, जिसमें ध्यान रखा जाए कि हर छोटी चीज़ कवर हो जाए, जिससे आपका फुल प्रिपरेशन हो जाता है.